दोस्तों, जय हिंद। मैं पायल तवर आप सभी का BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट क्लासेस में साइंस की ऑब्जेक्टिव सीरीज को स्टार्ट किया था, तो जिसमें हम साइंस के कुछ टॉपिक्स को उठाकर उसके क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे या फिर हम ऑब्जेक्टिव सीरीज को हम देख रहे थे, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कोशिका। कोशिका के हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखने वाले हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स और जो एग्जाम्स आपकी हो चुकी है उन सभी में आ चुके हैं या फिर आने की पूरी पूरी संभावनाएं उनकी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कोशिका के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखना। चलिए देखें कोशिका के महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल फॉर रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, ये रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं और जो एग्जाम आपकी 17 तारीख से शुरू हुई थी तो उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस बने हैं यहाँ से। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो देखिए, कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसको कहते हैं? तो कोशिका का प्रोटीन कारखाना, तो देखिए ऑप्शन ए है हरित लवक, ऑप्शन बी है लाइसोजोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है राइबोसोम। ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जो हरित लवक होता है, हरित लवक क्या देने का काम करता है भाई? ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और ये पादप कोशिका में रंग देने का काम करता है, हरित रंग देने का काम करता है, प्लास्टिड, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए लाइसोजोम, लाइसोजोम को क्या कहते हैं? तो लाइसोजोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोजोम को कहा जाता है। फिर ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह या ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और लास्ट में है राइबोसोम, तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना। ठीक है, राइबोसोम क्या काम करता है? तो जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन बनाने में सहायक होता है, तो राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री या फिर प्रोटीन का कारखाना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आप क्या लगाएंगे? राइबोसोम। राइबोसोम आप इसका सही आंसर लगाएंगे। तो भैया प्रोटीन की कारखाना, प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि राइबोसोम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। तो देखिए बच्चों, राइबोसोम भी दोनों में जंतु कोशिका और पादप कोशिका, पशु कोशिका मतलब जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका, पादप कोशिका। ठीक है, एक होती है एनिमल सेल, प्लांट सेल। तो भैया गोल्जी बॉडी दोनों में होता है, दोनों में ही होता है, जंतु कोशिका पादप कोशिका। सेंट्रोसोम भी दोनों कोशिकाओं में होते हैं, राइबोसोम भी दोनों कोशिकाओं में होते हैं, लाइसोसोम, लाइसोसोम जंतु कोशिका मतलब पशु कोशिका में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे आप? इसमें जो सही आंसर है तो इसका सही आंसर लगाएंगे क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम केवल पशु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो भैया देखिए मास्टर का काम क्या है? तो मास्टर क्या करता है? ये पूरा सभी कोशिकांगों पर कंट्रोल रखने का कार्य करता है। तो देखिए आपके ऑप्शन क्या क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य, अंतःप्रद्रव्य जलिका।
अंतः प्रदव्य जलिका, ठीक है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, हम देख ही चुके हैं, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग या ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो होता है ये केंद्रक के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है। और नाभिक है एक ऑप्शन में, नाभिक मतलब हम मान सकते हैं कि नाभिक मतलब केंद्रक। तो भैया कोशिका का मास्टर कहा जाता है किसे, तो हम मानते हैं कि कोशिका का मास्टर कौन है, केंद्रक है, नाभिक है, क्योंकि जो परिपक्व नाभिक होता है वही जो है डीएनए आरएनए इन सभी को, पूरे कोशिकांगों को क्या करता है, परिपक्व बनाता है। एक परिपक्व नाभिक केंद्रक जिसकी बात करते हैं, तो कोशिका का मास्टर मतलब सभी कोशिकांगों पर कंट्रोल रखने वाला कौन है, नाभिक है या हम कहें केंद्रक है, ठीक है। केंद्रक जो होता है, नाभिक होता है, इसको कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। तो भैया कोशिका का मतलब क्या है आप बताएंगे, कोशिका का मस्तिष्क क्या है, नाभिक है, केंद्रक है, और कोशिकांगों को कोशिकांग, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि केंद्रक या नाभिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है, एक पशु के भीतर की सबसे बड़ी कोशिका निम्न में से कौन सी होती है। तो एक पशु की या किसी जंतु की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, तो ऑप्शन दिया है ऑस्टेसाइट्स, न्यूरॉन, क्रोमेटोफोसर और लिम्फ कोशिकाएं। ये चार कोशिकाओं के नाम दिए हैं। तो देखिए सबसे लंबी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन जो होते हैं ये तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती है। और जो ये न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन ये सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। तो देखिए जो न्यूरॉन होते हैं ये सबसे लंबी भी मान सकते हैं और सबसे बड़ी कोशिका भी हम इनको मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे आप, न्यूरॉन लगाएंगे, न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन जो है वो किसी पशु के भीतर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। तो देखिए सबसे ज्यादा कोशिका में कौन सी चीज पाई जाती है, ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है शैवाल और ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो देखिए कोशिका में सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाती है वो है जल, पानी, ठीक है। सबसे ज्यादा जल, वाटर, पानी पाया जाता है किसी भी कोशिकांग के अंदर। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु कौन सा है, तो आप बताएंगे भाई कि वो क्या है, वो जल है, जल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखें कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है शैवाल और ऑप्शन डी है विषाणु। तो भैया देखिए कोशिका सिद्धांत किस पर डिवाइड नहीं होता, ये विषाणु पर डिवाइड, जो विषाणु पर जो है वो लागू नहीं होता, विषाणु पर लागू नहीं होने वाला होता है कोशिका सिद्धांत। तो देखिए कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, अगर आपसे पूछे कि किसने दिया था कोशिका सिद्धांत, तो ये दिया था शेल्डन और श्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, शेल्डन और श्वान ने दिया था। और इनके अनुसार प्रत्येक
कोशिका अपने पितृ कोशिका से बनती है, प्रत्येक पुत्री कोशिका अपने पितृ कोशिका से बनती है। तो मान लो ये पितृ कोशिका है और इससे दो कोशिकाएं बनेगी, दो से चार कोशिकाएं बनेगी, चार से आठ कोशिकाएं बनेगी। इस प्रकार से जो है वो कोशिकाएं बनती रहती है। तो आप बताएंगे कि भाई कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? शेल्डन व श्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखें, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो अभी अभी हमने देखा कि जिस प्रकार हमारे शरीर को कौन नियंत्रित करता है, हमारा मस्तिष्क नियंत्रित करता है, उसी प्रकार कोशिका को नियंत्रित करने के लिए कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। तो भैया क्या बताएंगे आप, ये कोशिका का क्या है? ये कोशिका का मस्तिष्क है, कोशिका का मस्तिष्क है केंद्रक। और केंद्रक ही क्या करता है? तो कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, ये नियंत्रण करने का कार्य करता है ना। तो आप बताएंगे कि केंद्रक होगा इसका सही आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है माल्टोज, सेल्यूलोज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी लैक्टोज। तो भैया इसमें क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, जिसका नाम क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों में, जो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बनाता है। ये पादप कोशिका है, ठीक है। तो पादप कोशिका में ये जो ऊपरी लेयर है ये किसकी बनी होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, सेल्यूलोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है? तो आप बताएंगे ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो कि पौधों की कोशिका भित्ति, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, के ऊपर पाया जाता है। माल्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज ये तीनों डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक मतलब केंद्रक के अलावा कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है? तो याद रखिएगा उसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ये डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, देखिए इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका के अंदर की कोशिका, कोशिका के अंदर की कोशिका किसको कहते हैं? तो आप बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका के अंदर की कोशिका, या इसको कहते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, या फिर इसको कहते हैं ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, कोशिका के अंदर की कोशिका। ये तीनों नाम किसके हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
तो देखिए साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं आपसे पूछा जाए तो देखिए 36, 46, 56 और 26। इसका सही आंसर है 46। टोटल 46। अगर पैर पूछे तो कितने पेयर्स बताओगे आप लोग? 23 पेयर्स बताओगे, 23 पेयर्स बताओगे। तो 23 जोड़े में हमारे मानव शरीर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए जो गुणसूत्र होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं गुणसूत्र। एक होते हैं एलोजोम और एक होते हैं ऑटोजोम। ठीक है, ऑटोजोम जो होते हैं वो 22 पेयर होते हैं और एलोजोम जो होते हैं वो एक जोड़ी में होते हैं, एक पेयर में होते हैं। 22 पेयर गुणसूत्र क्या करते हैं? तो ये पुरुष हो या महिला हो दोनों में समान जो गुण होते हैं वो लेकर आते हैं। जैसे बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, दो हाथ दो पैर दो कान मस्तिष्क, ठीक है, हृदय, ठीक है, हृदय महिला पुरुष दोनों में जो सेम चीज़ें होती है, कॉमन चीज़ें, वो लेकर आते हैं। और ये क्या करते हैं एक पेयर? तो ये बताएंगे ये लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो दो गुणसूत्र यहाँ होते हैं, 44 गुणसूत्र यहाँ होते हैं। ऐसे करके टोटल बॉडी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाया जाने वाला गुणसूत्र जोड़ों की संख्या क्या है? अभी हमने पढ़ा कि कितने जोड़े में पाए जाते हैं गुणसूत्र, 23 जोड़े में पाए जाते हैं। और टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, ये जो कोशिकांग दिए हुए हैं इनके आधार पर हमको देखना है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्र। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया वो जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो दोनों में पाया जाता है। जीव द्रव्य की उपस्थिति दोनों में होती है, जीव द्रव्य दोनों में होता है। कोशिका केंद्रक ये भी दोनों में होता है। बात करते हैं कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, और कोशिका भित्ति सिर्फ किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में ही पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति सिर्फ किस में होती है? पादप कोशिका में होती है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए, कोशिका भित्ति के आधार पर भिन्न है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या बताएंगे आप? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? देखिए क्या लिखा है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, क्या नहीं होता? तो अभी हमने पढ़ा था कि भैया जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सिर्फ किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। तो सेल्युलोज की कोशिका भित्ति क्या होती है जंतु कोशिकाओं में? अनुपस्थित होती है। तो इसका सही आंसर आप क्या देंगे? इसका सही आंसर देंगे आप ऑप्शन नंबर ए देंगे, सेल्युलोज की कोशिका भित्ति। चलिए देखते हैं, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, हमको पता ही है कि देखिए कोशिका भित्ति तो नहीं है, केंद्रक तो ये कोशिका का मस्तिष्क होता है, माइटोकॉन्ड्रिया संपूर्ण कोशिका। तो देखिए पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह बोल दो या फिर क्या बोल दो, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या फिर पावर हाउस किसको कहते हैं आप बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखें
निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? रिपीट हो गया है क्वेश्चन ये, तो आप बताएंगे किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हमारे कोशिका का पावर हाउस कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक, मतलब पिगमेंट, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए क्या लिखा है, कैरोटीन, एंथोसाइनिन, सेंथेफाइल्स और क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर आएगा एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि पौधों में लाल, नीला, बैंगनी और लाल जो वर्णक होता है ये किसकी उपस्थिति के वजह से होता है? तो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के वजह से होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? जो पादप कोशिका में तो होता है पर जंतु कोशिका में नहीं होता, पशु कोशिका में नहीं होता। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। देखो राइबोसोम दोनों में होता है, जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है, जंतु हो या पादप हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतः प्रदव्य जलिकाए, ये भी दोनों में होती है। और क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ किस में होता है? पादप कोशिका में होता है। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किस में होता है? पादप कोशिका में होता है। तो पादप कोशिका में जो पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, तो आप ऑप्शन सही क्या लगाएंगे? क्लोरोप्लास्ट लगाएंगे, क्लोरोप्लास्ट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने वाला कौन है? तो देखिए पानी तो नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, क्लोरोफिल आएगा इसका सही आंसर, और यूरिया भी नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब हरित लवक, हरित लवक। हरित लवक क्या करता है? तो ये पौधों को हरा रंग देने का कार्य करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन संश्लेषण में से किस बनाने में, प्रोटीन बनाने में किस कोशिकांग की भूमिका सबसे प्रमुख होती है? तो देखिए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अंतः प्रदव्य जलिका और राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर सही आप आंसर लगाएंगे अंतः प्रदव्य जलिका और राइबोसोम, ये है सही आंसर, ये है सही आंसर। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? अंतः प्रदव्य जलिका और राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम, राइबोसोम को क्या कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। और अंतः प्रदव्य जो जलिका होती है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको ईआर से शो करते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है, एक होती है एसईआर मतलब स्मूथ ईआर मतलब चिकनी अंतः प्रदव्य जलिका, और एक होती है आरईआर, आरईआर मतलब रफ मतलब खुरदरी, खुरदरी अंतः प्रदव्य जलिका। अब ये खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि अंतः प्रदव्य जलिका के ऊपर क्या चिपके होते हैं? राइबोसोम चिपके होते हैं जो प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। तो इसके अनुसार अंतः प्रदव्य जलिका और राइबोसोम ये दोनों ही क्या काम करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए,
मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो देखिए लसिका कोशिकाएं लिम्फ सेल्स कहाँ पर बनती है? तो देखो यकृत में नहीं बनती, दीर्घस्थि में नहीं बनती, अग्नाशय में भी लिम्फ सेल नहीं बनती, कहाँ बनती है? तो तिल्ली मतलब प्लीहा जिसको कहते हैं स्प्लीन, प्लीहा, प्लीहा, ठीक है। तो तिल्ली मतलब प्लीहा में लिम्फ कोशिकाएं बनती है, लसिका कोशिकाएं बनती है, कहां पर बताएंगे? तो तिल्ली इसका सही आंसर है, जिसको स्प्लीन या प्लीहा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो देखिए ऑप्शन ए है श्वान, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी स्लाइडेन। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। देखिए शेल्डन और श्वान, शेल्डन और श्वान ने क्या दिया था? तो इन्होंने दिया था कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत दिया था इन्होंने। अरस्तु कौन है? अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है, ठीक है। तो श्वान, स्लाइडेन और श्वान ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत दिया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया, ठीक है। और जो रॉबर्ट हुक है इनको कहा जाता है कोशिका विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक। तो कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक है, ठीक है। चलिए और कोशिका शब्द भी किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो इसका सही आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? देखिए तो ऑप्शन ए है सेल्यूलोज में, ऑप्शन बी राइबोसोम में, ऑप्शन सी पादप कोशिकाओं में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका भित्ति। अब जो पादप कोशिकाएं होती है, तो ये पादप कोशिका है, पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज की बनी होती है? तो वो बनी होती है सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। तो ये आप बता देंगे कि किसकी बनी हुई है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। सेल्यूलोज में नहीं पाई जाती, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। इसका सही आंसर है पादप कोशिका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो जीव द्रव्य के सूखे भाग में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारक काय की खोज किसने की थी? तारक काय मतलब सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। तो तारक काय की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज गोल्जी, बेवोरी, इवानविस्की, वॉटसन। तो तारक काय की खोज किसने की थी? बोवेरी ने की थी, ठीक है, बोवेरी ने की थी तारक काय की खोज। जॉर्ज गोल्जी ने क्या किया था? गोल्जी बॉडी की खोज की थी, गोल्जी काय की। इवानविस्की ने वायरस खोजा था। वॉटसन और क्रिक ने किसका मॉडल दिया था? डीएनए का मॉडल दिया था वॉटसन और क्रिक ने, ठीक है। तो ये इसमें आप सही आंसर क्या करेंगे, याद रखेंगे बेवोरी तारक काय की खोज किसने की थी? बोवेरी ने, ठीक है, बोवेरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो सर्वप्रथम जंतु कोशिका को राइबोसोम में, जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो ऑप्शन ए है अरस्तु, जॉर्ज गोल्जी, जी पैलेड और रॉबर्ट। तो इसका सही आंसर है पैलेड,
पैलेड, ठीक है। तो सर्वप्रथम राइबोसोम को किसने देखा या राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे किसने की थी, पैलेड ने की थी। गोल्जी ने क्या किया था, गोल्जी काय की खोज की थी। अरस्तु जंतु विज्ञान के पिता है, जीव विज्ञान के पिता है। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया और कोशिका की खोज की, मृत कोशिका की खोज की। और रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने किसकी खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी, इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की थी। और पैलेड ने किसको खोजा था, राइबोसोम को पैलेड ने सबसे पहले देखा था या खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी रचना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दो आवरण से घिरी रचना है। इसका सही आंसर लगाएंगे आप सी। इस तरह से होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दो लेयर होती है, ठीक है। इसको कहते हैं क्रिस्टे, वलकुट, ये होता है वलकुट, ठीक है, वलकुट। और यहाँ पर होती है एटीपी, एटीपी मतलब ऊर्जा होती है यहाँ पर अंदर, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी हुई रचना है, तो दो आवरण से घिरी हुई रचना है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह। राइबोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन का कारखाना। और गोल्जी बॉडी को कहते हैं मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये ट्रैफिक पुलिस के तरह काम करता है, ट्रैफिक सिग्नल के तरह काम करता है। ये क्या करता है, तो ये प्रोटीन के बंडल बनाता है, ये प्रोटीन के बंडल बनाने का काम करता है। और प्रोटीन के बंडल को एक अंग से दूसरे कोशिका, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाने का काम करता है। तो ये ट्रैफिक पुलिस के तरह काम करता है और रास्ते में से जितने भी कोशिकांग होते हैं सबकी आपूर्ति करता है और वहाँ से निकल कर ये पास करवाता है किसको, प्रोटीन को। तो ये गोल्जी बॉडी के बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कुछ इस तरह से दिखते हैं गोल्जी काय कुछ इस तरह से दिखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आता है आपसे कि गोल्जी काय के टूटने से, ये यहाँ से टूटते हैं तो क्या बनते हैं, तो गोल्जी काय के टूटने से क्या बनते हैं, लाइजोसोम बनते हैं। क्या बनते हैं, लाइजोसोम बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतः प्रदव्वी जलिका की खोज किसने की थी, अंतः प्रदव्वी जलिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है रॉबर्ट, ऑप्शन बी है के आर पॉटर, ऑप्शन सी जेसी बोस, ऑप्शन डी जी पैलेड। इसका सही आंसर है पॉटर। अंतः प्रदव्य जलिका की खोज किसने की थी, तो पॉटर ने की थी, अंतः प्रदव्य जलिका की खोज की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, कोशिका का ऊर्जा ग्रह जिसको कहते हैं, जो है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको सबसे पहले किसने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया नाम, कि भाई ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कॉलिकर, रॉबर्ट, बेंडा, अल्टमैन। तो इसका सही आंसर है क्या, बेंडा, ठीक है, क्योंकि अल्टमैन ने क्या की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अगर पूछे खोज किसने की थी, अल्टमैन लगाएंगे, और अगर नाम किसने दिया था क्या लगाएंगे, बेंडा लगाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा क्या, सी बेंडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं, गुणसूत्र के अंदर पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं, जीन, डीएनए, आरएनए, जीनोम, भैया जीनोम कहते हैं गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखें,
कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिक्तिका और क्लोरोप्लास्ट। तो आप बताएंगे कि सही आंसर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? ये पादप कोशिका में पाया जाता है और इसी को कहते हैं कोशिका का रसोई घर, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया से पौधे अपने खुद का क्या बनाते हैं? भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आप बताएंगे कि कोशिका, पादप कोशिका का रसोई घर कौन है? क्लोरोप्लास्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, चले अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी नॉल और रस्का ने। नॉल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? नॉल और रस्का ने। शेल्डन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। फ्लेमिंग और ब्राउन, फ्लेमिंग ने फिजिक्स के रूल्स दिए थे और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? केंद्रक की खोज की थी। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए के बारे में बताया था। तो इसका सही आंसर क्या बताएंगे? नॉल और रस्का। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। आपका सही आंसर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये क्या है? ये सबसे छोटी कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर 33 का राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को रंग देने वाला कौन सा पिगमेंट बता सकते हैं हम? देखिए एक लिखा है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट। देखिए ल्यूकोप्लास्ट कैसा रंग देता है पेड़ पौधों को? सफेद। क्रोमोप्लास्ट और देखो क्लोरोप्लास्ट कैसा रंग देता है क्या बताएंगे? हरा रंग देता है, ये ग्रीन कलर देने का काम करता है। टोनोप्लास्ट क्या होता है? तो जो रिक्तिकाएं होती है, ये रिक्तिकाएं हैं, रिक्तिका, रिक्तिका की जो ऊपरी झिल्ली होती है इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और क्या लिखा है? क्रोमोप्लास्ट, जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो पेड़ पौधों को कैसे रंग देता है? रंगीन कलर देने का काम करता है। तो आकर्षक रंग कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट देगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? तो अभी अभी हम देख चुके हैं कि ल्यूकोप्लास्ट कैसा रंग देता है? सफेद। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? रंगीन। और क्लोरोप्लास्ट कैसा रंग देता है? हरा। और ये क्या है? ये झिल्ली है, झिल्ली है किसके ऊपर की? ये आप बताएंगे रिक्तिका, रिक्तिका झिल्ली। सही आंसर क्या बताएंगे? हरा रंग देने वाला क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहारक के तरह कार्य करता है? तो पाचक एंजाइम्स को कौन संग्रह करने की, स्टोर करने का काम करता है? तो ऑप्शन ए है डेस्मोस, राइबोसोम, धानी, लाइबोसोम। इसका सही आंसर है रस धानी, रस धानी। इसको रिक्तिका भी बोलते हैं, रिक्तिका। ठीक है, तो कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइम को स्टोर करने का, संग्राहक करने का काम करता है? तो धानी, जिसको रस धानी या रिक्तिका भी कहा जाता है। रिक्तिका की खोज किसने की थी? रिक्तिका की खोज की थी किसने? पोर्टर ने, पोर्टर ने रिक्तिका की खोज की थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 37, सुमेलित कीजिए लाइसोजोम डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया पावर गुणसूत्र आत्महत्या की थैली। तो देखिए यहाँ से हमको बस मिलाना है। देखिए लाइसोजोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। तो देखिए बी और डी दोनों में 1 का सी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर डीएनए, डीएनए क्या बताएंगे भैया, डीएनए बताएंगे क्या, गुणसूत्र। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। तो ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन क्या होगा, बी। तो ऑप्शन नंबर 2 का आंसर क्या है, बी। और ऑप्शन नंबर 3 का क्या होगा, ए। और ऑप्शन नंबर 1 का सी। तो इसमें सही ऑप्शन निकलेगा ऑप्शन नंबर बी निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 37 का कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो देखिए अंतःप्रद्रव्यजलिका, नाभिक, गोल्जीकाय, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए सबसे बड़ा कौन होता है, नाभिक होता है, केंद्रक होता है। किसी कोशिका में सबसे बड़ा नाभिक होता है, केंद्रक होता है, उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो यहाँ पर आप सही आंसर क्या लगाएंगे, नाभिक लगाएंगे। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होगा, नाभिक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुणसूत्रता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उत्परिवर्तनता, ठीक है। उत्परिवर्तन क्या होगा, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। तो सही आंसर होगा भोजन का ऑक्सीकरण, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, कोशिका के अंदर की कोशिका भी कहा जाता है, और अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है, क्योंकि खुद के लिए खुद ही काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने, जबकि नाम किसने दिया था, बैंडा ने दिया था, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया दो परती संरचना होती है। तो यहाँ पर ये भोजन का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, यहाँ से हमको ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करवाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चंस, 40 प्रश्नों के बारे में देखा और कुछ डिस्कशन की। तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपको आने वाली जो एग्ज़ाम्स है वहाँ भी हेल्पफुल रहेंगे, और ये किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है जो हमने आज जो सीरीज़ हमने की है कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।